हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ई सर्विस पोर्टल पर अपना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, आप इकामा होल्डर हैं, आप छुट्टी पर आए हुए हैं और सऊदी अरब जाना चाहते हैं वाया दुबई होकर या वाया बहरीन होकर या वाया और किसी देश से होकर, या आने वाले दिनों में जब डायरेक्ट आपको ट्रेवल करने के लिए परमिशन मिलेगी सऊदी अरब के लिए, तो आपको अपने वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है सऊदी अरब के ई सर्विस पोर्टल पर। तो किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या स्टेप हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो मैं आपको आज कंप्लीट में बताता हूँ। ई सर्विस पोर्टल पर सिर्फ और सिर्फ दो तरह के लोगों की रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक वो जो सऊदी के सिटीजन है यानी जो सऊदी के नागरिक हैं, और दूसरे वो जो सऊदी के रेजिडेंट है यानी जो इकामा होल्डर वाले हैं, जो लोग वहाँ काम करते हैं उन लोगों के लिए ही ये पोर्टल है। जो लोग नए वीज़ा पर सऊदी अरब के लिए ट्रेवल करेंगे उनके लिए ये पोर्टल नहीं है, उनको यहाँ पर किसी भी तरह से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट के, कि डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए आपके पास में। तो सबसे पहले चीज, आपको इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए, ध्यान रखना दोनों डोज लगी होनी चाहिए कोविशील्ड वैक्सीन की, कोवैक्सीन की नहीं, कोविशील्ड वैक्सीन की, ठीक, पहली चीज। और उस वैक्सीन की सर्टिफिकेट जो आपने आखिरी डोज लगवाई है उसका सर्टिफिकेट, क्योंकि आखिरी वैक्सीन जब आप लगवाते हैं तो जो सर्टिफिकेट निकलता है आपका, उस पर दोनों वैक्सीन की डिटेल्स होती है, पहला जब आपने लगवाया था तो उसकी भी डेट उस पर मेंशन होती है, और जब आपने आखिरी डोज लगवाई थी तो उसका भी डेट उस सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है। तो आखिरी सर्टिफिकेट ही आपके लिए काफ़ी होगा, लास्ट जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वैक्सीनेशन का वो काफ़ी होगा। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट आपको स्कैन कर लेना है और ये आपको पीडीएफ में ही स्कैन करना है। इसका फॉर्मेट जो होना चाहिए वो पीडीएफ में होना चाहिए और 1 MB से कम होनी चाहिए फाइल की साइज। और नंबर दो, आपको अपना पासपोर्ट स्कैन कर लेना है, ये भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पासपोर्ट आपको इस तरीके से स्कैन करना है, पहला पेज यानी जो फर्स्ट पेज है आपका जिस पर आपकी फ़ोटो लगी हुई है, और लास्ट पेज जिस पर आपका एड्रेस होता है और आपके कुछ डिटेल्स होते हैं, तो वो आपको स्कैन करके दोनों को ऐड कर लेना है, मर्ज कर लेना है, और ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, 1 MB से कम होनी चाहिए। और तीसरी, इकामा, आपके पास इकामा होना चाहिए और इकामा भी आपको स्कैन कर लेना है, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी साइज भी 1 MB से कम होनी चाहिए। तो तीन डॉक्यूमेंट हो गए जो आपके लिए ज़रूरी हैं ई सर्विस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जब आप तीनों चीज़ स्कैन कर लेंगे, तीनों डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लेंगे पीडीएफ में जिसकी साइज 1 MB से कम होगी, तब आपको ई सर्विस पोर्टल की वेबसाइट पर चलना है। ये ई सर्विस पोर्टल की वेबसाइट आप देख सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरबिया का है, यहाँ पर आपको विजिट करना है। आप कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, वो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, वैक्सीन क्या लगी होनी चाहिए और इसके अलावा आईडी को लेकर, स्कैन को लेकर, फॉर्मेट को लेकर कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसमें कुछ नया नहीं है। नीचे सबसे आएंगे, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, नीचे आने के बाद इसको आपको क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट पे चलेंगे आप। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज खुलकर आएगा, यहाँ पर आपको जो एप्लीकेंट टाइप पूछेगा वहाँ पर आपको सऊदी रेजिडेंट सेलेक्ट करना है, सऊदी सिटीजन सेलेक्ट नहीं करना है, ये सऊदी नागरिकों के लिए होगा जो सऊदी के सिटीजन है, क्योंकि आप सऊदी रेजिडेंट हैं, इकामा होल्डर हैं, तो आपको सऊदी रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट कर देना है। चलिए मैं आपको आज कंप्लीट करके दिखाऊंगा। फिर इकामा आईडी आपसे मांगेगा कि आपका इकामा नंबर क्या है, ये इस वाले कॉलम में आपको अपना इकामा नंबर फिल करना पड़ेगा। चलिए मैं इकामा यहाँ पर फिल कर देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। इकामा मैं यहाँ पर फिल करता हूँ और दूसरे कॉलम में आपसे मांगेगा कि आपका इकामा एक्सपायर कब हो रहा है, उसकी अरबी तारीख आपको एंटर करनी है। ध्यान देना, यहाँ पर जो इकामा वाला कॉलम है ये एक्सपायर कब हो रहा है, इसको आपको फिल करना है कि आपका इकामा एक्सपायर कब हो रहा है। तो चलिए इसको भी मैं फिल कर देता हूँ कि इकामा एक्सपायर कब हो रहा है, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। तो इसको भी मैंने फिल कर दिया है। नीचे फिर उसके बाद कैप्च कोड आएगा, वो भी आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। चलिए ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके से पेज खुल जाएगा, आपके डिटेल्स आ जाएंगे, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी नेशनलिटी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जाएगा, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको
पहले सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी देनी। ईमेल आईडी आप करेक्ट दीजिएगा, जो ईमेल आईडी आपकी चालू हो, जिसको आप यूज़ कर रहे हो तो वही ईमेल आईडी आप इंटर करिएगा, क्योंकि उस पर ओटीपी भी जाएगा। और इसके अलावा जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो कन्फर्मेशन जाएगा, और कन्फर्मेशन के बाद जब अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूवल का भी मैसेज इस पर आएगा। तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर कर देता हूँ। इस वाले कॉलम में आपको ईमेल आईडी इंटर करना है, दो बार ईमेल आईडी आपको इंटर करना है कन्फर्मेशन के लिए। इसमें भी ईमेल आईडी रहेगा और सेकंड वाले में भी ईमेल आईडी रहेगा। और तीसरे कॉलम में आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना सऊदी का मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। कोई सा भी मोबाइल नंबर इंटर कर देना है सऊदी अरब का, जो यूज़ में हो, जो चालू हो, आपको अपने दोस्त का या और किसी का, या आप जो यूज कर रहे हो तो वो मोबाइल नंबर आप इंटर कर सकते हैं। उस पर भी मैसेज जाता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो तवक्कलना पे हो, जो अफसर पे हो, या और कहीं जो यूज़ में हो, उसी नंबर को आप यहाँ पर इंटर करें। कोई सा भी सऊदी अरब का मोबाइल नंबर आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट चलना है। जब आप नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि ओटीपी सेंड कर दिया गया है, भेज दिया गया है आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने इंटर किया था, और ईमेल आईडी पर भी इंटर जो आपने ईमेल आईडी इंटर किया था उस पर भी ओटीपी भेज दिया गया। तो चलिए मैं ओटीपी चेक कर लेता हूँ कि ओटीपी मेरे मोबाइल पर अभी आया है या नहीं आया है, मेरे ईमेल आईडी पर आया है या नहीं आया। तो चलिए मैं देख लेता हूँ ओटीपी। मेरे ईमेल आईडी पर ये ओटीपी आ चुका है, आप देख सकते हैं ये ईमेल आईडी पर ओटीपी आ चुका है। ये ओटीपी अब मैं जो ई सर्विस पोर्टल है वहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। जो ओटीपी मुझे मिला हुआ है वो मैं ई सर्विस पोर्टल पर इंटर कर देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ओटीपी इंटर कर देता हूँ और उसके बाद फिर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये डिटेल्स आ जाएंगे आपके वैक्सीनेशन का, जो आप वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर। वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको जो वैक्सीन टाइप है, यहाँ पर आपको एस्ट्राजेनेका सेलेक्ट करना है। एस्ट्राजेनेका टू डोज, यानी आपने जो कोविशील्ड लगवाई है वो एस्ट्राजेनेका के नाम से ही जानी जाती है। तो यहाँ पर आपको एस्ट्राजेनेका सेलेक्ट करनी है, इसको ध्यान रखना है। सिलेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि आपको वैक्सीन टाइप में एस्ट्राजेनेका सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने फर्स्ट डोज कब ली है ये पूछा जाएगा, और सेकेंड डोज कब ली, यानी दोनों की डेट पूछी जाएगी, तारीख पूछी जाएगी। तो जो पहला डोज है मेरा वो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, 8 जून का है तो मैं 8 जून यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेकेंड जो डेट है वो है 22 जुलाई की, तो मैं 22 जुलाई सेलेक्ट कर लेता हूँ सेकेंड वाले कॉलम में, सेकेंड डोज जहाँ पर पूछ रहा है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, एक 8 जून और दूसरा 22 जुलाई में कर लेता हूँ इसको, 22 जुलाई। तो ये हो गया 22 जुलाई मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर तीनों चीज़ें मांगी जाएंगी आपसे, आपके पासपोर्ट कापी, वैक्सीनेशन प्रूफ मांगा जाएगा यानी वैक्सीन सर्टिफिकेट, और अदर अटैचमेंट में आपको अपना इकामा कापी अटैच कर देना है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तीन जगह आपसे मांगे जाएंगे। पहले में पासपोर्ट कापी, दूसरे में वैक्सीन सर्टिफिकेट, और तीसरे में आपको इकामा आपको अपलोड कर देना है। तो चलिए पहले में मैं पासपोर्ट अपलोड कर देता हूँ, जो मैंने स्कैन किया था पीडीएफ में, तो वो मैं पहले में स्कैन कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा पासपोर्ट, और सेकंड में हो गया मेरा वैक्सीन का प्रूफ, ये हो गया मेरा वैक्सीन का प्रूफ, और तीसरे में हो गया इकामा कापी। तो ये हो गया तीसरे में इकामा कापी, तीनों मैंने अपलोड कर दिया है ई सर्विस पोर्टल पर। इसको अपलोड करने के बाद सबसे जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, आप चेक कर लीजिएगा सही से कि आपने जो भी फिल किया वो सही है या नहीं सही। ये आपको जो दिख रहा है इसको आपको टिक कर देना है, क्लिक कर देना है। टिक करने के बाद आपसे सबमिट पूछा जाएगा यहाँ पर ये। तो एक बार फिर आप चेक कर लीजिएगा कि जो भी आपने फिल किया है, जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सही है या नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से कि आपने जो भी फिल किया है वो अभी ठीक है या नहीं है, या इसमें कोई गलती है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो मैंने इसको चेक कर लिया है बहरहाल, तो अब मैं इसको सबमिट कर दूंगा क्योंकि ये सारी चीज़ें सही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट मैं कर दे रहा हूँ। एक बार आप डेट चेक कर लीजिएगा खासतौर पर, और वैक्सीन टाइप भी सही से चेक कर लीजिएगा। तो बाकी तो ईमेल आईडी सही है क्योंकि उस पर ओटीपी गई है। तो अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, फाइनल सबमिट कर देता हूँ। फाइनल जब आप सबमिट कर देंगे तो फिर कुछ देर के बाद ये सक्सेसफुल आपके स्क्रीन पर आ जाएगा कि सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। ये देखिए आप कि योर वैक्सीनेशन रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड सक्सेसफुली, ये आपके स्क्रीन पर इस तरीके से आ जाएगा, और आपको मैसेज भी मिल जाएगा आपने जो नंबर लिखाया है, जो नंबर आपने इंटर किया यहाँ पर। इसके अलावा आपके ईमेल आईडी पर भी सक्सेसफुल का
एक मेल आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको सक्सेसफुल का एक मेल आ जाएगा। ये देख सकते हैं ये मेल आ चुका है मेरे ईमेल आईडी पर कि योर वैक्सीनेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड। अब इसके बाद 24 घंटे के बाद या उससे कम समय में या उससे थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, एक और अप्रूवल का मैसेज आएगा कि आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो अप्रूव्ड कर लिया गया है। ये अप्रूव्ड होने के बाद ही आप इम्यून माने जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आपके आई होगी बात हमारी। फिर भी अगर कोई आपके जहन में सवाल है वैक्सीन सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन को लेकर, ई सर्विस पोर्टल के रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो वो पूछ सकते हैं। बहरहाल ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को करना है जो लोग रेजिडेंट्स हैं, जो लोग इकामा होल्डर हैं, जो लोग छुट्टी पर आए हुए हैं। नए वीज़ा वालों को इस पर किसी तरीके से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ मुकीम पर करना है। ये जब आपका अप्रूवल हो जाएगा, फिर जब आप सऊदी अरब के लिए ट्रेवल करेंगे और सऊदी अरब के ट्रेवल करने से पहले, एंट्री करने से पहले सऊदी अरब में, आपको 72 घंटे पहले मुकीम पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहरहाल ये ई सर्विस पोर्टल का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो आपको करना ही करना है इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।